दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे रिपब्लिक डे की परेड के लिए टैबल्यूज की शॉर्टलिस्टिंग और सिलेक्शन कैसे होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस परेड को कंडक्ट और कोऑर्डिनेट करती है। वहीं टैबल्यू का सिलेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कोलैबोरेशन से होता है। टैबल्यूज के सिलेक्शन में कलर, स्टाइल, डिजाइन, टेक्सचर का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा टैबल्यूज में यूज होने वाला मटेरियल है वह इको फ्रेंडली होना चाहिए। वहीं आपको बता दूं कि टैबल्यूज में किसी भी तरीके का लोगो अलाउड नहीं है, लेकिन स्टेट्स एंड यूनियन अपना नाम लिख सकते हैं, जिसमें हिंदी को सबसे आगे, इंग्लिश को पीछे और रीजनल लैंग्वेज को टैबल्यू के साइड में लिखना होगा। और सिलेक्शन कमेटी में आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक, आर्किटेक्ट एंड कोरियोग्राफी के एक्सपर्ट्स होते हैं, जिन्हें IGNCA और ICCR रिकमेंड करती है। इसके अलावा 24 के गणतंत्र दिवस की परेड के लिए 16 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,